रात में छोटी और पिंटू अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। अब्बू जान, कल पिंटू किसी हसीना से गुफ्तगू कर रहा था। अब्बू जान, मैं अपने अजीज दोस्त से बात कर रहा था, ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त अब्बू अखबार पढ़ते हुए आते हैं। बच्चों, कोविड-20 के मर्ज फैलने की वजह से पूरे मुल्क में तालाबंदी हो गई है, स्कूल बंद हैं। सारे स्कूल बंद हैं। या स्कूल की छुट्टी। चल छोटी, बबली खाला के यहाँ लूडो खेलने चलते हैं। अरे तुम लोग फिर से आ गए। हाँ खाला, मुल्क में तालाबंदी हो गई है, स्कूल बंद है, इसीलिए हम यहाँ लूडो खेलने आए हैं। तुम्हारी अम्मी जान तुम्हें एक लूडो भी नहीं दिलवा सकती। रोजाना बेशर्मों की तरह यहाँ चले आते हो। छोटी और पिंटू मायूस होकर अपने घर चले आते हैं और सारा वाक्या अपनी अम्मी को बताते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से कहकर तुम लोगों के लिए लूडो मंगवा देती हूँ। छोटी और पिंटू के बाबा जान दुकान पर लूडो खरीदने जाते हैं, लेकिन तालाबंदी की वजह से सारी दुकानें बंद होती हैं। मेरे बच्चों, लूडो तो नहीं मिल पाया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब तालाबंदी में हमारा वक्त कैसे गुजरेगा? हम लूडो बना भी तो सकते हैं। पिंटू फौरन एक दफ्ती को काट कर उस पर रंग करके लूडो बना लेता है और छोटी लेहाफ की कटिंग करके गोलियां बना लेती है। लूडो और गोलियां तो बन गई, लेकिन पैसा कैसे बनेगा? पिंटू नहर के साहिल पर जाता है। नहर के पास एक छोटी सी सुरंग थी। पिंटू उसके अंदर जाकर पत्थर की शिनाख्त करता है। उसे वहाँ मुरब्बा पत्थर तो नहीं मिलता, लेकिन पत्थर का बना हुआ एक खूबसूरत सा लूडो मिलता है। पिंटू खुश होकर घर वापस आता है। देखो सब लोग, मुझे क्या मिला है। अरे वाह, इतना अच्छा लूडो, चलो खेलते हैं। लूडो खोलते ही लूडो से सदा आती है। जिनके लूडो में इस्तकबाल है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम, शिकस्त वाले की उड़ेगी मजाक, और फरेब करने वाले को मिलेगी सजा। उधर बबली खाला की बेटी पुष्पा 500 रुपए लगाकर देहात की एक लड़की के साथ लूडो खेल रही थी। पुष्पा गेम हार जाती है। चल 500 रुपए निकाल। तालाबंदी चल रही है, इसलिए नगद नहीं निकाल पाई, बाद में ले लियो ना। मुझे अभी चाहिए। कह दिया ना नहीं मिलेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़की पुष्पा का लूडो फाड़कर चली जाती है। दूसरे दिन पुष्पा छोटे पिंटू के घर लूडो खेलने तशरीफ लाती है। क्या मैं तुम लोगों के साथ लूडो खेल सकती हूँ? मेरा लूडो फट गया। पहला खेल छोटी और पुष्पा के दरमियान होता है। छोटी खेल जीत जाती है और पुष्पा को शिकस्त होती है। लूडो से एक नया लेडीज पर्स बाहर निकलता है। ये छोटी के लिए है। उसके बाद लूडो से एक गाय निकलती है और पुष्पा के सर पर गोबर करके लूडो के अंदर चली जाती है। ये कैसा लूडो है? ये जिन का लूडो है, जीतने वाले को मिलता है इनाम और शिकस्त वाले का उड़ता है मजाक। पुष्पा दिल में ये अहद करती है कि मैं भी जीत जाऊं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। पिंटू, एक खेल में तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पुष्पा पिंटू के साथ खेलना शुरू करती है। पिंटू एक बार खेल के दरमियान उठकर पानी पीने चला जाता है। पुष्पा खामोशी से अपनी गोलियां आगे बढ़ाकर रख देती है। तभी लूडो से सदा आती है। तुमने फरेब की, जिन फरेब करने वाले को सजा देता है। पुष्पा की नाक 10 इंच लंबी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई?
अब कोई लड़का मुझसे निकाह भी नहीं करेगा। ऊपर से ये तालाबंदी चल रही है, मैं किसी के पास अपनी नाक कटाने भी नहीं जा सकती। तुमने इनाम के लालच में फरेब किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी, जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ, काली की गिजा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तियाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बेवक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज्यादा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस जादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाई जान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे अलग किस बात की है, दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी, ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है, उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तियाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है, पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन, इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुरा कर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो, भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है, काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबां में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तियाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में क्या मिला है। सोने का टुकड़ा, ये भैंस के पेट से दस्तियाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है।
किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तियाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दुहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तियाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजा हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी, हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है। जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है।